आज 19 मई 2019, आज लोकसभा के सातवें चरण का अंतिम मतदान के कुछ ही समय बाकी है। 4:24 हो रहा है, कुछ ही देर में शायद मतदान खत्म हो जाएगा 2019 के लोकसभा के। इस चुनाव के दौरान एक ही देखने में बड़ा हो जाए, सभी पार्टी के सभी नेता एक दूसरे को गाली गलौज बिना मुद्दे के आरोप प्रत्यारोप, तमाम तरह की फालतू बातें, तमाम तरह की फालतू लुभावन मतलब प्रलोभन, तमाम तरह की एक ऐसी ऐसी फालतू की चीज़ें जो मतलब सब कुछ देखने में तो लोकसभा इलेक्शन 2019 में देखने को मिली, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा, चाहे लोकदल हो, चाहे कोई भी पार्टी, एक्सपाइजेंट कोई, सब पार्टी से लगभग एक ही जैसे, कोई पूजा कर रहा है, कोई मठ जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, तमाम चीज़ देखने को मिली, जो कि मेरे देखने से कोई खास फोन नहीं है। हाँ, अब जो रिजल्ट आने वाले हैं देखते हैं कि ये जो चाइना से जो कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से भाजपा जीतेगी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसको नहीं पता। वैसे मैं मेरे यहाँ 12 तारीख को वोटिंग हुई थी, मैं दिल्ली के कोशिश में वोट देकर आया, तो अभी तक मेरे यहाँ उंगली का निशान है उसके। मैंने भी अपने प्रत्याशी को वोट दिया, आप लोगों भी अपने समर्थक आपको वोट दिए होंगे, अच्छी बात है। लेकिन इस तरीके से ये जो इलेक्शन हुआ सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा, कहीं हिंसा और भी मतलब उल्टे उल्टे कारनामे हुए, जो नेताओं लोगों ने गाली गलौज, ये सब जो चीज़ें हुई ये सब अच्छी नहीं, ये सब लोकतंत्र के लिए अच्छा है। इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा सा अगला जो इलेक्शन हो जाए, कोई इलेक्शन कोई ऐसा कुछ कदम उठाए कि जिसपे इन जो फालतू के जो बयानबाजी होती है नेताओं की वो रुक सके। इसके लिए कुछ ना कुछ हार्ड डिसीजन लेना चाहिए, सब पार्टी, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं,